तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? स्वागत करते हैं फिर से एक और न्यू वीडियो पे। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरे हाथ में एक ओप्पो कंपनी का फोन है, जो कि अभी फिलहाल मेरे फोन लॉक है पासवर्ड पिन पैटर्न में। और आपका फोन ओप्पो का है, ओप्पो का कोई भी मॉडल है, आपसे फोन लॉक हो गया है पासवर्ड पिन पैटर्न में और आप अपने ओप्पो में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक नहीं कर पा रहे हो और आप परेशान हो गए हो, तो प्लीज ये वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखोगे तो आपका ओप्पो का फोन घर बैठे ही अनलॉक हो जाएगा और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड, आपको करना क्या है, आपका फोन ओप्पो का है ना, आपका पैसा वेस्ट होगा ना ही डाटा डिलीट होगा। घर बैठे आप अपने फोन में लगे हुए लॉक स्क्रीन को अनलॉक कर सकते हो और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और ना कोई डाटा डिलीट होगा। तो आप भी अपने हैंडसेट को अनलॉक करना चाहते हो तो आइए मैं पहले फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो फ्रेंड, जैसा कि इस फोन को देख रहे हो, अभी आप लोग इस फोन को देख रहे हो, आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस फोन में आपको सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आपका फोन अनलॉक हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो अनलॉक करने से पहले आपको ये करना है कि आपके फोन में सिम कार्ड है तो सिम कार्ड को निकाल लेना, नहीं तो एयरप्ले मोड का ऑप्शन ओपन कर लेना। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मेरे फोन में सिम कार्ड निकला हुआ है, पहले से ही देख सकते हो। और ये देख सकते हो ध्यान से, ये ओप्पो 5G फोन है, ठीक है ना, ओप्पो का 5G फोन है। ओप्पो का 5G हो, 3G हो, 2G हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसके बाद आपको अपने फोन को ऑफ करके ऑन करना होगा, यानी कि पावर बटन को प्रेस करके रखना होगा ऐसे। तो यहाँ पे ये आएगा, तो आपको सिंपली रीस्टार्ट कर देना है, ऐसे थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा जिससे आपका हैंडसेट अनलॉक हो सके। तो फ्रेंड, पहले मैं आपको बता दूं ये ऑफलाइन मेथड होता क्या है, ताकि आपका फोन जब लॉक है तो अनलॉक करने के दौरान ना आपका कोई कॉल कर पाए या आपके फोन पे आए या ना कोई मैसेज आ पाए, इस कारण यह मेथड यूज किया जाता है। तो आपको सिंपल तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस कोड को, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे कि रीस्टार्ट किए तो हम लोग आ गए फिर से वही लॉक स्क्रीन पेज पे। तो अब आपको करना क्या, सिंपली आपको इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन देख रहे हो, इमरजेंसी SOS पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ये ऐसे आएगा, तो आपको यहाँ पे करना क्या है ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपली ये जो है ना, जो कॉल वाला ऑप्शन में रहता है बटन, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इमरजेंसी कॉल के पेज पे आ जाओगे। इमरजेंसी कॉल के पेज पे आने के बाद, रुक जाइए, पहले मैं इसको क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, डार्क कर लिए। कॉल पे आए, कॉल पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड दिया जाएगा सर्विस सेंटर का, अनलॉकिंग कोड है, इस कोड को आप डायल कर लीजिएगा, इस कोड को ध्यान से डायल कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस कोड को डायल करने के बाद आपको यहाँ पे एक कॉल वाला ऑप्शन हो रहा है, कॉल पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, सिंपली आपको यहाँ पे ओके कर देना है एंड देन इसके बाद इस कोड को इरेज कर लेना है। एंड देन इसी वक्त यहाँ पे एक और डाटा रिकवर का कोड दिया जाएगा जिससे आपका डाटा पूरा रिकवर हो जाए। तो इस डाटा रिकवर कोड को यूज कीजिएगा तो आपका डाटा भी रिकवर हो जाएगा। तो इस डाटा रिकवर कोड को भी हमें वही करना है, कॉल करना है, ओके करना है, परमिशन लेना है सर्विस सेंटर से। बस ये काम होते ही आपको एक मास्टर अनलॉकिंग कोड दिया जाएगा, *899#। ये कोड को डायल करते ही आप एक आफ्टर सेल पेज पे आओगे या तो इंजीनियर मोड के फाइल पे आओगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बहुत तरह का ऑप्शन शो होगा, आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको 4 नंबर का मैनुअल टेस्ट यूज कीजिएगा, इस पे आइएगा। 2nd नंबर डिवाइस पे आने के बाद चारों उसको आपको ओपन कीजिएगा, ग्राफ को ओपन करके देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी ये क्रॉस ऐसे वैसे हो रहा है ना,
तो ये आपका अनलॉकिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हल्का आपको वेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 5 सेकेंड। जब 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाए तो इसे बैक कर लीजिएगा। बैक करते डाटा डिस्प्ले को ओपन कर दीजिएगा। आपके फ़ोन में जितना डाटा होगा, एप्लीकेशन होगा, फाइल होगा या वीडियो होगा या मैसेज होगा, वो भी सारा का सारा रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसे ऑन करके यहाँ पे ये लाइन जब तक ख़त्म ना हो तब तक यहाँ पे वेट करना होगा। जब ये लाइन यहाँ तक ख़त्म हो जाए तो इसे बैक कर लीजिएगा। बैक करते ही जायरो स्क्वाइप नॉयडर पे क्लिक कीजिएगा, इसे स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ पे सेंटेंस चेंज हो जाए इसे बैक कर लेना है, बैक करना है। सबसे लास्ट वाला पेज पे जाना है, अदर्स पे। अदर्स पे आते ही यहाँ पे रीड दैट इम्पोर्टेंट लोकेशन पे एक पासवर्ड डालेंगे, *#8*813#, यहाँ पे ओके कर देंगे, रॉन्ग पासवर्ड आ जाएगा। ये आपका सीक्रेट कोड है, ठीक है ना। की स्टेटस को ओपन कीजिएगा तो आपके फ़ोन में जो भी पिन, पैटर्न, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, ऐप लॉक जो भी होगा, सारा का सारा यहाँ पे पास हो जाएगा। फिर इसे बैक कर लेना है। डाटा बेस वर्जन पे 3 टाइम क्लिक करके रीसेट कंप्लीट पे क्लिक कीजिए, पास का ऑप्शन आ जाएगा। होम बटन क्लिक कीजिएगा तो आपका ओप्पो का फ़ोन हो, ओप्पो का कोई भी मॉडल हो, आप घर बैठे ही अनलॉक कर सकते हो बिना डाटा डिलीट किए और बिना पैसा वेस्ट किए। आई होप ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।